थे। ग्रेड पे और पदनाम बदले के संगे माही नर्सिंग अलाउंस समेत 6 सूत्री मांग ला लेके प्रदेश भर के नर्स मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। प्रदेश भर में 3,000 नर्स कार्यरत है। नर्स संगठन के हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवा बाधित हो गए है। 6 सूत्री मांग में लले के स्टाफ नर्स के द्वारा लगातार प्रदर्शन करे जाते। अब 18 मई यानी शुक्रवार ले प्रदेश स्तर में नर्स मन बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिए है। समान कार्य समान वेतन, ग्रेड पे बढ़ाए बर, दर्जा बढ़ाए बर नर्सिंग कैडर के वेतन मान में वृद्धि, नर्सिंग अलाउंस के संग में ही पदनामला बदले के मांग करे जावत है। ग्रेड 2 और ग्रेड पे 4600 रुपया तक नहीं दिए जाए लेके स्टाफ नर्स मन काफी प्रयास करत रहीस। एकर मांग ओकर द्वारा काफी समय ले करे जावत रहीस। मांग पूरा नहीं होए ले नाराज नर्स मन हा छत्तीसगढ़ परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले गुरुवार ले हड़ताल में चले गए। ये हड़ताल ल जिला भर के 200 स्टाफ नर्स मन अपन समर्थन दिए है। एमा ले 100 ले ज्यादा नर्स मन अकेला जिला अस्पताल के है। प्रस्तावित हड़ताल ल सफल बनाए बर स्टाफ नर्स मन तैयारी मन ला पूरा कर लिए है। छत्तीसगढ़ परिचारिका कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारी मन के अनुसार हड़ताल की सूचना सिविल सर्जन CMHO के संग माही कलेक्टर ला दे दिए गए है। जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल जारी रही। नर्सेस उन लोगों ने 3 साल से लगातार सरकार को प्रार्थना पूर्वक तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस कारण हम मजबूर होकर हमको पूरे राज्य की जितनी 3,000 नर्सेस है आज पूरे 18 मई को इस असहयोग आंदोलन में मजबूर होकर उनको आना पड़ा ताकि सरकार हमारी तरफ कुछ ध्यान दे, उनको कुछ समझ में आए हमारी बात। जैसे हमारी सहकर्मी सिस्टर ने बताया कि इतना जोखिम भरा ड्यूटी करती है, नाइट ड्यूटी करती है, हम लोग डिग्रीधारी कोर्स है, उसके बावजूद हमको वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। जो स्टाफ नर्स मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाए ले स्वास्थ्य सेवा मन में असर पड़ सकत है। सबले अधिक परेशानी जिला अस्पताल में होही। अपन मांग मल्ला पूरा नहीं होए ले स्टाफ नर्स मन काफी समय ले नाराज रहीस। नर्स मन के प्रभावित हड़ताल ला देखत हुए जिला अस्पताल में कई मरीज मल्ला डिस्चार्ज कर दिए गए है। हालांकि अम्बेडकर अस्पताल के PRO हर डिस्चार्ज के बाद ला नकार दिए है। अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी के माने तो नर्स मन के हड़ताल के असर मरीज मन मान झन पड़े, एक सेती नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा मन ला वार्ड में ड्यूटी लगा दिए गए है। संगे में ही प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था बना लिए है और सभो विभाग अध्यक्ष मन ला व्यवस्था बनाए रखे बर निर्देशित करे गए है। देखिए, जैसे कि आपने भी कहा और मैंने भी बताया कि चिकित्सालय में ये टर्सरी लेवल का इंस्टीट्यूट है, 24x7 365 डेज ये रन करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको मरीज के इलाज को प्राथमिकता के आधार पर इसमें हमने ये व्यवस्था बनाई है। और चूंकि चिकित्सालय एक अति आवश्यक सेवा है और संवेदनशील सेवा है, तो इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण और उपचार के आधार पर भी सभी को प्राथमिकता के अनुसार हमने ये व्यवस्था बनाई है। और कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान किसी को कोई तकलीफ न हो और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से या आपात सहायता के लिए वो चिकित्सालय में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर से मरीज संपर्क कर सकते हैं और तीनों शिफ्ट में ये व्यवस्था जारी रहेगी। बहरहाल नर्स मन के हड़ताल में चले जाए ले स्वास्थ्य विभाग सख्ता में आगे है। जेकर चलत वैकल्पिक व्यवस्था बनाए बर शासन है सबो सरकारी अस्पताल मल्ला निर्देशित करे है। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग नर्स मन के मांग में कितना गंभीर होते, इला तो समय ही बताही। देश TV पर कैमरामैन कुणाल के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। 5-13 दिन ले प्रदेश के दिव्यांगजन अपन ही विभाग के एक अधिकारी ले खासा नाराज है। जेकर चलत संघ के बैनर तले दिव्यांगजन अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए है। सरकार की अनदेखी में भूख हड़ताल करे में आमादा ये दिव्यांगजन अधिकारी के बर्खास्तगी चाहते। रायपुर के हिंद स्पोर्टिंग मैदान में 6 मई ले छत्तीसगढ़ विकलांग संघ के बैनर तले सबो दिव्यांगजन मन अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करत है। प्रदर्शन के कारण दिव्यांगजन मन के हित ला देखने वाले विभाग के एक अधिकारी ला बर्खास्त करे के मांग है। संघ के पदाधिकारी मन के अनुसार छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी ML पांडे हा जेकर घर मा ACB द्वारा फरवरी 2017 मा छापा मार के भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपया संपत्ति के जब्त करे गे रहीस और विदेशी मुद्रा पाए गे रहीस।
फिर शासन पांडे ला बर्खास्त करे के बजाय पदोन्नति दे दे है। विभाग एम एल पांडे ला योग आयोग के सचिव और दिव्यांग महाविद्यालय के प्राचार्य बना दिए है। पांडे ला उच्च पद मिल जाए ले प्रदेश के सबो दिव्यांग जन मन काफी आक्रोशित नजर आवत है। विकलांग कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव डोमन बयाह कहिस कि योग आयोग जैसे पवित्र स्थान ले भ्रष्ट अधिकारी मन ला जब तक नहीं हटाए जाही तब तक दिव्यांग जन मन आंदोलनरत रही। तो हम ये नहीं चाहन कि वो भ्रष्टाचार जो पांडे है बोला इसे पवित्र स्थान में योग आयोग के रूप में और सचिव के रूप में बैठाए जाए। जब तक पांडेला योग आयोग के सचिव के पद से नहीं हटाई तब तक हम धरना स्थल में धरना देते रहो। और एक तरफ महालेखाकार के ऑडिट रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आते कि एमएल पांडे हमार गरीब निराश्रित तीर्थ योजना में 5 करोड़ रुपये लग खा के बैठ चुके हैं, निराश्रितों के 9 करोड़ रुपये लग खा के बैठ चुके हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में 7.5 करोड़ रुपया खा के बैठे हैं। तो एमएल पांडे इतना भ्रष्टाचारी जो होकर हमार पूरा काला सब पूरा सबूत लेके हम लोग बैठे हैं, जब तक एमएल पांडे ला योग आयोग के सचिव के पद से नहीं हटाही तब तक हम विकलांग जन यहाँ आंदोलन में कार्यरत रहे रिबो। हाँ आगे यदि नहीं सुनी यत्नों में नहीं सुनी तो आगे भूख हड़ताल करबो, फिर रामरान अनशन हड़ताल करबो, एक क्रमबद्ध तरीका से। लेकिन हमार मन के केवल एक ही समसूत्री मांगे कि जब तक एमएल पांडेला योग आयोग सचिव से दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्राचार्य पद से नहीं हटाई तब तक हम हड़ताल करते रहे। बहरहाल विकलांग कल्याण संघ गुरुवार के समाज कल्याण मंत्री के निवास के घेराव करिस, फिर मंत्री रमशीला साहू ले मुलाकात न होए मा दिव्यांग जन मन नाराज हुए है। देश टीवी पर कैमरामैन एस करिस के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग में पदस्थ अपर संचालक ला हटाए के मांग ला लेके विकलांग कल्याण परिषद मंत्री रमशीला साहू के निवास के घेराव करिस। ये दौरान 50 ले अधिक संख्या में पहुंचे परिषद के सदस्य मन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करिस, संगे माही जल ले जल मांग पूरा करे के गुहार लगाइस। 6/5/2018 से हम छत्तीसगढ़ विकलांग कल्याण संघ धरने पर बैठा था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ही समाज कल्याण विभाग में अपर संचालक के पद में पदस्थ है एमएल पांडे, जिनको 2017 में एसीबी द्वारा रेड पड़ा है, उसके बावजूद भी वो आज सरेआम मार्केट में घूम रहे, मतलब पद में पदस्थ है, और योग आयोग जैसे पद में उसको सचिव बना दिए गए हैं, और छत्तीसगढ़ में एकमात्र एक ऐसा दिव्यांग महाविद्यालय है वहाँ का प्राचार्य बना दिए हैं। तो हमारी ये मांग है कि उनको ये दोनों पद से बर्खास्त किया जाए। कुछ लोगों को पेंशन मिल रहा है करके झूठी उनको जानकारी दी गई थी, इसलिए लोग आ गए थे, उनको बाद में वस्तु स्थिति बताई गई है। अब ये जानकारी जैसे ही इनसे पूछताछ होगी तो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। रायपुर पुलिस थाना मनमा जब्त करेगी इस वाहन मन के नीलामी करीस, ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद करेगी है। जी हाँ, खरीदार मनला बेहद सस्ता दर में वाहन खरीदे के मौका मिलीस। 200 रुपया मा लूना, 700 मा एक्टिवा और मात्र 6000 रुपया मा कोनोला ट्रक मिल जाए, यकीन नहीं होवत है, फिर ये सच है। दरअसल रायपुर के पुलिस ट्रांजिट मैस मा जिला ले सबो थाना मन मा लंबा समय ले जब्त रखे गईस 2.5 दुपहिया और 4 पहिया वाहन मन के संग साइकिल मन के नीलामी करे गईस। नीलामी मा भाग ले बर प्रदेश भर ले 103 लोगन मन आए रहीस। ये नीलामी ले विभाग ला 10,13,000 रुपया प्राप्त हुए है। पुलिस हा बताइस कि प्रदेश में पहली बेरा रायपुर जिला के सबो थाना मन मा 10 बछर ले 28 एक्ट के अंतर्गत जब्त रखेगी 7 4 पहिया, 8 3 पहिया, 466 दो पहिया वाहन मन के संग 33 साइकिल मन ला कोर्ट के अनुमति के बाद नीलाम करेगी। एखर ले पहले इश्तिहार जारी कर नीलामी के नियम और शर्त जारी करेगी रही से। नीलामी प्रक्रिया 4 सदस्य टीम एएसपी वर्षा मिश्रा, आरटीओ के अधिकारी, तहसीलदार और डीएसपी पुलिस लाइन गुरजीत सिंह की उपस्थिति में करेगी। सबले अधिक 25,000 रुपया में एवेंजर बाइक नीलाम हुई और सबले कम 200 रुपया में लूना के बोली लगी। एक्टिवा 700, बाइक 1900 और 1900 रुपया में 2 कबाड़ हो चुके ट्रक नीलाम हुई।
33 साइकिल मन ला एक कबाड़ी हा 100-100 रुपया में खरीदीस। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज टीवी। शुक्रवार के राजधानी समेत पूरा प्रदेश में छॉलीवुड फिल्म राजू दिलवाला प्रदर्शित करे गई। ये फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में प्रकाश अवस्थी समेत शिखा नजर आईस। कॉमेडी समेत एक्शन और रोमांटिक मूवी ला देखे पर दर्शक मन के भीड़ उमड़ पड़ीस। शुक्रवार के प्रदेश में छत्तीसगढ़ी फिल्म राजू दिलवाला के प्रदर्शन करेगी। ए मौका में सैकड़ों के संख्या में दर्शक मन के भीड़ है सिनेमा घर मन में उमड़ पड़ीस। ए फिल्म में मुख्य किरदार में प्रकाश अवस्थी राजू दिलवाला के रूप में नजर आवत है। उन्हें अदाकारा शिखा और नैनी तिवारी है फिल्म में मुख्य भूमिका निभावत है। जूनियर सुनील तिवारी जी हाँ एक तरफ प्रकाश अवस्थी के दोस्त बन के विलेन के साथ देवत नजर आवत है। इसी तरह ले फिल्म ला आकर्षक बनाए बर दूसरा राज्य मन में शूटिंग घलो करेगे है। धमाकेदार मूवी है, बहुत जबरदस्त ओपनिंग है, लाजवाब मूवी है, जैसा हम सभी सोच रहे थे उससे बहुत अच्छी पिक्चर है। प्रकाश भाई ने, सुनील तिवारी ने, नैनी ने, शिखा ने, सब ने इतना जबरदस्त काम किया है, पिक्चर पूरी पकड़ है। और जो भी इंटरवल हुआ है कमाल का इंटरवल हुआ है, और सारी पिक्चर का जो ताना वाना है जबरदस्त बना है, कहानी में बहुत दम है, पिक्चर सक्सेस है। छत्तीसगढ़ में एक फिर नया आयाम प्रकाश भाई की पिक्चर लिखने जा रही है। बहुत समय से लोगों की एक मांग थी कि मैं टूरा रिक्शा वाला जैसी एक फ़िल्म करूं, तो उसी तरीके की ये फिल्म है राजू दिलवाला, और रोमांटिक एक्शन फिल्म है। बहुत ट्विस्ट है इस फिल्म में, और यहाँ के सभी दिग्गजों ने काम किया इसमें। मेरे साथ में नैनी तिवारी जी हैं, शिखा चिदम्बरी जी हैं, सुनील तिवारी हैं, इसके कैमरामैन तोरण राजपूत है, कॉमेडी में हेमलाल है, कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय, रामेश्वर वैष्णव जी ने गीत लिखे हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा पैकेज मैंने देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता इसको हाथों हाथ लेगी, ईश्वर की बड़ी कृपा है, और मुझे 100% उम्मीद है कि फिल्म बहुत ज़बरदस्त सफल होगी। फिल्म में काफ़ी हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मेरा कैरेक्टर एक दबंग लड़की का मैंने रोल निभाया है। काफ़ी लोगों से मतलब तारीफ सुनने को मिल रही है, तो बहुत ही उत्सुकता और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे। राजू दिलवाला में मेरा जो रोल है वो एक लवर बॉय का है, रोमांटिक बॉय है, जो एक लड़की से प्यार करता है। और जैसा आप फिल्म में थिएटर में आकर देखेंगे, 4-5 शेड्स हैं मेरे, जिसमें कहीं पे लवर बॉय का दिखूंगा मैं रोल पे, कहीं पर एक कॉलेज बॉय के रोल पे दिखूंगा, कहीं पे एक्शन करते हुए दिखूंगा, कहीं कुछ सस्पेंस खोलते हुए दिखूंगा। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शेड्स हैं मेरे, और बहुत उम्मीद है इस फिल्म से। जैसा कि नाम से ही फिल्म हिट है, मुझे लगता है कि ऊपर वाले की दया है, हिट हो जाएगी फिल्म। वैसे तो ये कॉमेडी एक्शन और थ्रिलर फिल्म है, लेकिन इसमें एक मैसेज भी है। जो उन्मादी आजकल के युवा उन्माद में आके प्रेम में बैठते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है इस पिक्चर में, अभी इंटरवल हुआ है, आप इंटर के बाद देखेंगे, इसका एक रिजल्ट अलग है। उन्माद से हट के प्रेम की पराकाष्ठा से विपरीत इसका अंत होगा। ये पिक्चर में एक नया है, और दृश्य, इसके लोकेशंस, अभी इंटर के बाद मनाली के भी लोकेशंस हैं, और एक्शन वगैरह आपने देखा बहुत अच्छा है, डायलॉग इसमें बहुत अच्छे बने हैं। आप मैंने बता दें कि ये फिल्म पूरा तरह ले रोमांटिक और एक्शन ले परिपूर्ण है। इमा कॉमेडी ले भरे क्षण मन ला घलो जगह दिए गए है। फिल्म में सबो कलाकार मन अपन अदाकारी ले दर्शक मन ला सिनेमा घर तक खींचे में मजबूर कर दिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। और जात-जात एक नजर सुर्खी मनमा। सरगुजा संभाग के दौरा में पहुंचीस डॉक्टर रमन, विकास यात्रा में दीस करोड़ों के सौगात। राजधानी में लगाएगी योग शिविर, सांसद बैस हा शिविर के करीस शुभारंभ। और प्रदेश में रिलीज हुई राजू दिलवाला फिल्म ला देखे बार दर्शक मन के भीड़ उमड़ी। देश टीवी के सबो कार्यक्रम और खबर मन ला आप मन देख सकत हो हमन यूट्यूब चैनल में घलोक। जोहार रायपुर मा जतना ही, मोला दबेदा, जय जोहार।